निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की परेशानी बढ़ती रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि तय की है। आरोप गठन की प्रक्रिया के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जा सकता है। इससे पहले ईडी की विशेष कोर्ट ने 3 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए पूजा की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।